पटवारी फिर से हड़ताल पर जाने का ऐलान कर चुके हैं। दरअसल 3 जनवरी से पटवारी हड़ताल पर रहेंगे। उनकी मांग है कि हमारा वेतन बढ़ाया जाए। बता दें कि इससे पहले भी पटवारी करीब 10 दिन तक हड़ताल पर बैठे थे। सरकार की तरफ से उन्हें आश्वासन दिया गया था लेकिन उनका वेतन बढ़ाया जाएगा। करीब 1 साल बीत जाने के बावजूद भी उनके वेतन में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई, जिससे प्रदेश भर के पटवारी खफा है। अब इस बारे में यमुनानगर के कुछ पटवारी एकजुट हो गए हैं और डीसी साहब को अपना मांग पत्र सौंप चुके हैं। उन्होंने यहां उम्मीद भी जताई है कि अगर उनकी मांगों को पूरा कर लिया गया तो वो हड़ताल नहीं करेंगे, लेकिन 3 जनवरी से अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो हड़ताल पर जा सकते हैं, जिससे आम जनता का काम भी प्रभावित हो सकता है। यमुनानगर के सभी पटवारी और कानून को स्टेट एसोसिएशन के आह्वान पर डीसी साहब को बाबत जो राजस्व पटवारियों को वेतन संघ की है उसके लिए ज्ञापन देने के लिए आए हैं। जो ज्ञापन पूरे स्टेट से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के नाम जाना है और इसमें यह है कि जो पिछली साल हमारा धरना हुआ था उसमें मुख्यमंत्री जी ने हमसे वादा किया था कि आपका वेतनमान अब 2500 से बढ़ाकर 3200 कर दिया है, लेकिन उसकी आज तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई है। किसी भी पटवारी और कानूनगों को इस जो बढ़ाए हुए वेतनमान का आज तक कोई फायदा नहीं मिला है और न ही अभी तक कोई एरियर वगैरह दिया है।